हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, लिनक्स लेक्चर सीरीज़ के 8 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में मैं फाइल ओनरशिप और परमिशंस के बारे में डिस्कस करूँगी। इस लेक्चर में कवर किया जाएगा फाइल परमिशन मोड्स, कैसे हम परमिशंस सेट करते हैं फाइल के लिए यूजिंग ch mode कमांड, फिर ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं यूजिंग सी एच ओन कमांड, एंड ग्रुप कैसे चेंज होता है यूजिंग सी एच जी आर पी कमांड। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल परमिशन मोड्स। फाइल परमिशन मोड्स यानी कि फाइल की परमिशंस चेंज करने के लिए जो मोड होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है, उसके लिए हम सी एच मोड कमांड को यूज़ करते हैं। सी एच मोड कमांड इज़ यूज टू चेंज द परमिशंस ऑन द फाइल विच कैन बी डन सेपरेटली फॉर ओनर ग्रुप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ओनर ग्रुप और अदर्स यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अलग से सेट की जाती है। तीनों के लिए अलग से परमिशन सेट की जाती है। इसका सिंटेक्स होता है WHO इक्वल्स टू परमिशन फाइल नेम, सी एच मोड वो इक्वल्स टू परमिशंस फाइल नेम। वो इज अ लिस्ट ऑफ लेटर्स दैट स्पेसिफाइज whom यू आर गोइंग टू बी गिविंग परमिशन। इसका मतलब किसे आप परमिशन दे रहे हो, यहाँ से ये चीज़ सेट करनी होती है। दीज मे बी स्पेसिफाइड इन एन ऑर्डर, जैसे कि ओनर को परमिशन देनी है तो ओनर में तीन तरीके की कैटेगरीज हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी है यूज़र की, सेकेंड कैटेगरी होती है ग्रुप की, एंड थर्ड कैटेगरी है अदर्स यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर यूजर्स। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि परमिशंस किसके लिए सेट की जाएंगी, यानी कि UGO के लिए सेट की जाएंगी। सी एच मोड कमांड लिखेंगे, देन परमिशंस लिखेंगे UGO के लिए, यूज़र ग्रुप और अदर के लिए, एंड देन किस फाइल के ऊपर परमिशन सेट करनी है उसका फाइल नेम दिया जाएगा। अब परमिशंस भी तीन तरीके की यहाँ से डिफाइन की गई हैं, जो कि रीड राइट और एग्जीक्यूट कहलाती हैं। रीड यानी R, राइट यानी W और एग्जीक्यूट यानी X। दीज आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज इन RWX। रीड राइट एग्जीक्यूट को RWX से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज परमिशंस अफेक्ट थ्री ग्रुप्स ऑफ ओनर्स, यूजर ओनर U, ग्रुप G एंड अदर्स O। वी हैव द फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स ऑफ थ्री परमिशंस। तो इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं यूज़र ग्रुप और अदर के लिए सेपरेट RWX परमिशंस सेट की जाती हैं। RWX फॉर यू, RWX फॉर जी एंड RWX फॉर ओ। अब एग्जांपल देखकर आपको क्लियर होगा सी एच मोड को हम कैसे यूज करते हैं। टू गिव द ओनर एंड अदर्स एग्जीक्यूट परमिशन एंड रिमूव द ग्रुप राइट परमिशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से एक फाइल में हमें ओनर यानी कि यूज़र और अदर को एग्जीक्यूट परमिशन देनी है सिर्फ, और ग्रुप से हमें रिमूव करनी है क्या राइट परमिशन को, यानी कि ग्रुप के पास राइट परमिशन नहीं होगी, रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन होंगी, और ओनर और अदर्स के पास को हम एग्जीक्यूट परमिशन देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑलरेडी फाइल के ऊपर क्या क्या कौन सी परमिशन सेट हैं। तो उसके लिए ls-l कमांड रन करेंगे और फाइल नेम देंगे। ls-l फाइल नेम देने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं जो ए फाइल है उसमें स्टार्टिंग में ही डैश का मतलब होता है ये एक फाइल है, और अगर डायरेक्टरी होती है तो यहाँ डी लिखा होता है। उसके बाद आप देखेंगे rw डैश यानी कि रीड राइट परमिशन है यूज़र को और एग्जीक्यूट परमिशन यहाँ नहीं है। उसके बाद सेकंड RWX में भी रीड राइट परमिशन है ग्रुप को, यहाँ भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, एंड फिर अदर्स के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए रीड परमिशन है सिर्फ, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। तो ये ऑलरेडी अप्लाइड परमिशन हैं फाइल पे। अब हम इसे चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले सी एच मोड कमांड आप लिखेंगे, उसके बाद यू ओ यानी यूज़र और अदर जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो टास्क हमें परफॉर्म करनी है, यूज़र एंड अदर को क्या कर देना है, एग्जीक्यूट परमिशन देनी है। इसका मतलब प्लस एक्स करेंगे, और ग्रुप की
राइट परमिशन को रिमूव करना है, तो जी माइनस डब्ल्यू करेंगे कॉमा लगा के। तो इस तरीके से हमने यूज़र एंड अदर में एग्जीक्यूट परमिशन ऐड कर दी और ग्रुप से राइट परमिशन रिमूव कर दी, फिर स्पेस दे के फाइल नेम। तो ये कमांड रन करने के बाद आप फिर से चेक करेंगे ls-l स्पेस फाइल नेम, तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में rwx, यानी कि ऐड हो गई एक्स परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशन यूज़र के लिए। देन ग्रुप के में पहले हमारे पास राइट परमिशन थी जो कि अब रिमूव हो गई है, यहाँ से सिर्फ r- शो हो रहा है। एंड अदर्स के लिए भी r के साथ x परमिशन यानी एग्जीक्यूट परमिशन ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आप परमिशंस किसी भी फाइल की चेंज कर सकते हैं। वेर यू स्टैंड फॉर यूज़र यानी ओनर, ओ स्टैंड फॉर अदर यानी कि वर्ल्ड, एंड जी स्टैंड फॉर द ग्रुप। अब एक दूसरा मेथड देखते हैं हम, कैसे हम सी एच मोड को रन करने का, सी एच मोड अप्लाई करने का परमिशंस के लिए। अ सिंगल डिजिट सफिसेस टू स्पेसिफाई ऑल थ्री परमिशंस बिट्स rwx फॉर ईच एंटिटी यानी कि UGO। दिस डिजिट इज़ द सम ऑफ 4, 2 एंड 1। तो यहाँ क्या करते हैं करेंगे हम, rwx के लिए एक सिंगल डिजिट लिखी जाती है जो कि 4, 2, 1 से बनी होगी, उसका एडिशन करके। 4 यहाँ से एक फिक्स कर दिया है, 4 नंबर रीड परमिशन के लिए। अगर रीड परमिशन देनी है तो ये समझ सकते हैं उसका वेट 4 है, उसका मान 4 है। और अगर आपको राइट परमिशन देनी है तो उसका मान 2 है। एंड अगर आपको एग्जीक्यूट परमिशन देनी है तो उसे आप 1 से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी फाइल को किसी भी UGO किसी भी एंटिटी के लिए, यूज़र ग्रुप और ओनर के लिए, तीनों परमिशंस देनी है यानी रीड राइट एग्जीक्यूट, तो तीनों को ऐड करके जो नंबर आएगा वो होगा 7। और अगर आपको सिर्फ दो परमिशंस देनी है यानी रीड राइट परमिशन देनी है तो आप 4 एंड 2 को ऐड करके 6 आएगा। तो 6 अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब रीड राइट परमिशन होगी। और अगर आपको रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन देनी है तो आप 5 लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई सिंगल परमिशन देनी है, जस्ट लाइक कि आपको सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन देनी है, तो 1 लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एग्जीक्यूट के साथ या तो रीड या राइट परमिशन जनरली दी जाती है। अगर आपको सिर्फ रीड परमिशन देनी है तो आप सिर्फ 4 डिनोट करेंगे, सिर्फ राइट परमिशन देनी है तो सिर्फ 2 डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एडिशन करके, सम करके आप यहाँ से लिखेंगे। तो एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो दिस इज़ द इजीएस्ट मेथड। तो व्हेन यू अप्लाई दिस टू द सी एच मोड कमांड, यू हैव टू गिव 3 डिजिट्स फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको सिर्फ 3 डिजिट यहाँ से बतानी होंगी तीनों के लिए, यूज़र के लिए, ग्रुप के लिए और ओनर रिलेटेड परमिशन के लिए। एग्जाम्पल में देखते हैं, सी एच मोड 755 अ फाइल। तो 755 का मतलब है, 7 का मतलब यूज़र, फर्स्ट जो जो पहला नंबर है वो है यूज़र के लिए, यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है। 5 का मतलब 4+1 5, यानी कि रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन है ग्रुप को, और सिमिलरली अदर यूज़र्स को भी रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन दी गई है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं ls-l कमांड से, आप देख सकते हैं आउटपुट में यूज़र के पास rwx तीनों परमिशन है, ग्रुप के पास rx यानी कि रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन है, और अदर के पास भी rx यानी कि रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन यहाँ से अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट है फाइल ओनरशिप। फाइल की ओनरशिप को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कमांड होती है chown कमांड, यानी चेंज ओनरशिप कमांड का शॉर्ट फॉर्म। दिस इज़ यूज टू चेंज यूज़र ओनरशिप ऑफ अ फाइल और डायरेक्ट्री, किसी भी फाइल और डायरेक्टरी की ओनरशिप को चेंज करने के लिए, यूज़र ओनरशिप को। सिंटेक्स में आप ch पहले कमांड लिखते हैं chown, देन ओनर यानी कि यूज़र, उसके बाद फाइल, या फिर आप लिखेंगे ओनर यूज़र कॉलन लगा के, देन आप ग्रुप, ग्रुप ओनर अगर आप यूज़र एंड ग्रुप दोनों को चेंज करना है, देन फाइल नेम। उसके बाद आप लिख सकते हैं यूज़र कॉलन लगा के ग्रुप ओनर और डायरेक्टरी, या फिर आप ऑप्शंस पहले देंगे chown के साथ, उसके बाद आप मेंशन करेंगे यूज़र कॉलन लगा के ग्रुप और देन फाइल नेम।
ऑप्शंस जो इसके साथ वर्क करते हैं अवेलेबल हैं वो हाइफन सी या फिर हाइफन हाइफन चेंजेस लाइक वर्बोज बट रिपोर्ट ओनली व्हेन इट चेंजेस मेट। तो ये रिपोर्ट करता है जब किसी भी परमिशन में कोई चेंज होता है लाइक वर्बोज की तरह से। वर्बोज यानी कि आपको स्क्रीन पे चेंज शो करेगा। हाइफन एच या फिर डबल हाइफन नो डी रेफरेंस अफेक्ट सिम्बॉलिक लिंक्स इंस्टीड ऑफ एनी रेफरेंस्ड फाइल अवेलेबल ओनली ऑन सिस्टम दैट कैन चेंज द ओनरशिप ऑफ ए सिम लिंक। ये सिम लिंक्स या सिम्बॉलिक लिंक्स के केस में यूज होता है इंस्टीड ऑफ रेफरेंस्ड फाइल के केस में। हाइफन एफ या हाइफन हाइफन साइलेंट या हाइफन हाइफन क्वाइट ये ऑप्शन यूज होता है सप्रेस मोस्ट एरर मैसेजेस। एरर मैसेजेस को सप्रेस करने के लिए, साइलेंट करने के लिए, क्वाइट करने के लिए। हाइफन आर या फिर हाइफन हाइफन रिकर्सिव अगर आप लिखते हैं तो ऑपरेट ऑन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। आप जानते हैं ऑलरेडी डिफरेंट कमांड्स में हम हाइफन आर ऑप्शन को यूज़ कर चुके हैं रिकर्सिव यूज़ के लिए। तो ये रिकर्सिवली सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज के अंदर जाके जितनी भी सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स होंगी उस पर अप्लाई करता है जो भी कमांड होती है उसका ऑपरेशन एक्शन। अब देखते हैं सी एच ओन का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एल एस हाइफन एल करेंगे। तो जिस भी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप हैं उसमें अवेलेबल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को की डिटेल यहाँ से लिस्ट हो गई है आउटपुट में। तो फर्स्ट टू लाइंस में आप देख सकते हैं फाइल वन एंड फाइल टू की परमिशंस। सबसे पहले परमिशंस दी गई हैं देन यूज़र एंड ग्रुप जो कि सिड हैं। दोनों के केस में यूज़र भी सिड है और ग्रुप भी सिड है। उसके बाद फिर दूसरी डिटेल्स जैसे कि डेट एंड टाइम एंड फिर फाइल। थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं एक टेम्प डायरेक्टरी है। स्टार्टिंग में आपको डी नज़र आएगा डी फिर आर डब्ल्यू एक्स आर हाइफन एक्स। ये एक डायरेक्टरी है। इसके बाद हम सी एच ओन कमांड रन करते हैं सूडो के साथ सूडो सी एच ओन। क्योंकि सी एच ओन कमांड को रन करने के लिए आपको एडमिन सुपर यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है परमिशन। तो यहाँ से आप सूडो कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डॉलर प्रॉम्प्ट पर हैं सूडो सी एच ओन रूट फाइल वन। तो फाइल वन का को आपको का जो यूज़र है वो आप चेंज कर रहे हैं सिड से यूज़र ओनरशिप रूट को के लिए। तो उसके बाद फिर आपने सूडो क्योंकि यूज़ किया था तो आपको पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद फिर आप एल एस हाइफन एल से चेक कर सकते हैं जो आपका यूज़र था वहाँ से सिड की बजाय रूट हो गया है आउटपुट में। तो इस तरीके से ओनरशिप इसकी चेंज हो गई है फाइल की फाइल वन की। नेक्स्ट है कैसे ग्रुप चेंज कर सकते हैं आप। उसके लिए कमांड होती है सी एच जी आर पी चेंज ग्रुप का शॉर्ट। तो इसके भी सिंटेक्स है सी एच जी आर पी देन ग्रुप फाइल्स और सी एच जी आर पी हाइफन आर ग्रुप फाइल्स। तो बेसिकली सी एच जी आर पी चेंजेस ग्रुप एसोसिएटेड विद फाइल्स और डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज। तो किसी भी फाइल और या डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी को किसी ग्रुप से अगर आपको एसोसिएट करना है स्पेशली तो आप सी एच जी आर पी कमांड यूज़ करते हैं। ग्रुप बेसिकली किस लिए होता है। ग्रुप डिफरेंट टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप क्रिएट किया जाता है ऑफिस में ग्रुप ऑफ पीपल जो कि प्रिंटर नेटवर्क प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनके पास नेटवर्क प्रिंटर का एक्सेस नहीं होगा। तो अगर किसी को एक्सेस देना है तो उसको प्रिंटर ग्रुप में ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग वर्क के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ यूज़र्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रुप एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको कोई यूज़र है अगर आपको ग्रुप असाइन करना है उसका ग्रुप चेंज करना है तो आप सी एच जी आर पी कमांड से उसे चेंज कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है अगर आप एक यूज़र क्रिएट किया जाता है जब तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ग्रुप जो यूज़र का नाम है सेम होता है। जैसे कि अभी आपने लास्ट एग्जांपल में देखा यूज़र एंड ग्रुप दोनों सिड थे। तो सिड यूज़र नेम है तो ग्रुप भी यूज़र नेम ग्रुप भी सिड ही है ग्रुप नेम भी। तो अब इसे चेंज करने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं सूडो सी एच जी आर पी बिन फाइल टू। तो यहाँ से फाइल टू का जो ग्रुप है वो बिन में चेंज किया गया है। तो उसके बाद फिर एल एस हाइफन एल कमांड रन करेंगे तो ये आप आउटपुट में देख सकते हैं जो फाइल टू का जो ग्रुप है वो सिड से बिन में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से सी एच जी आर पी कमांड वर्क करती है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.